अलीगढ़ के जहां पर अलदुआ मीट फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ, अमोनिया गैस लीक होने पर कई कर्मचारी बेहोश हो गए हैं। कर्मचारियों में युवती, महिलाएं और पुरुष भी शामिल हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल में कई कर्मचारी भर्ती हुए हैं। बेहोश कर्मचारियों की संख्या 100 से ज्यादा बताई जा रही है। मीट फैक्ट्री में हुई घटना को प्रशासन ने छुपाया। डीएम इंद्र विक्रम सिंह के अलावा SSP कलानिधि नेथानी भी मौके पर मौजूद है। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। अलीगढ़ की ये पूरी घटना इस वक्त सामने आई है। मीट फैक्ट्री में हुई घटना को प्रशासन छुपाने की कोशिश कर रहा था। डीएम इंद्र विक्रम सिंह के अलावा SSP कलानिधि नेथानी भी इस वक्त वहां मौके पर मौजूद हैं। रोरावर थाना इलाके के अलदुआ मीट फैक्ट्री का ये पूरा मामला इस वक्त बताया जा रहा है। अलीगढ़ से बड़ी खबर, अलदुआ मीट फैक्ट्री में ये बड़ा हादसा हुआ है। अमोनिया गैस लीक होने की वजह से कई कर्मचारी बेहोश हो गए, जिसमें युवतियां, महिलाएं और पुरुष भी शामिल हैं। और जब ये पूरा खबर निकलकर सामने आई तो प्रशासन कहीं ना कहीं इस खबर को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिलहाल अब ये पूरा मामला सामने आ चुका है, उजागर हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल में कई कर्मचारियों को इस वक्त भर्ती कराया गया है बेहोशी के चलते। बेहोश कर्मचारियों की संख्या इस वक्त 100 से ज्यादा बताई जा रही है। तो ये बड़ी लापरवाही से कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और लगभग 45 मरीज इस वक्त भर्ती है। मीट फैक्ट्री में हुई घटना को प्रशासन से छुपाया गया। तो अलीगढ़ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अलदुआ मीट फैक्ट्री में यह बड़ा हादसा हुआ है। तो अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल में सभी कर्मचारियों को इस वक्त भर्ती कराया गया है। बेहोश कर्मचारियों की संख्या इस वक्त 100 से ज्यादा बताई जा रही है। अलीगढ़ की ये खबर, जहां पर लगभग 45 मरीज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में इस वक्त भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। मीट फैक्ट्री में हुई घटना से को प्रशासन से भी छुपाया गया। डीएम इंद्र विक्रम सिंह के अलावा SSP कलानिधि नेथानी भी वहां मौके पर मौजूद है। रोरावर थाना इलाके के अलदुआ मीट फैक्ट्री का यह पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। तो अलीगढ़ से यह बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अलदुआ मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद में करीब 100 से ज्यादा कर्मचारी वहां पर बेहोश हो गए, जिसमें महिलाएं, युवती और पुरुष भी शामिल हैं। लगभग 45 मरीज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। मीट फैक्ट्री में हुई घटना को प्रशासन से भी छुपाया गया। प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दी गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अलीगढ़ से बड़ी खबर, अलदुआ मीट फैक्ट्री में यह बड़ा हादसा हुआ है। तो आपको बता दें कि कर्मचारियों में युवती, महिलाएं और पुरुष भी शामिल हैं, जो इस वक्त भर्ती हुए हैं अस्पताल में। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल में इस वक्त कई कर्मचारियों को भर्ती कराया गया है, जिनकी संख्या करीब 100 से ज्यादा इस वक्त बताई जा रही है। बेहोश कर्मचारियों की संख्या 100 से ज्यादा है। प्रशासन से भी इस खबर को छुपाया गया। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अलीगढ़ से।
तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल में इस वक्त कई कर्मचारियों को भर्ती कराया गया है। जिस तरीके से आज पूरा हादसा इस वक्त सामने पर पहुंच चुकी है, डीएम भी पहुंच चुके हैं। रोरावर थाना इलाके के अलदुआ मीट फैक्ट्री का पूरा मामला है। अभी क्या कुछ स्थिति है, अभी क्या रेस्क्यू किया जा रहा है, अमोनिया गैस जो लीक हुई है क्या उसके प्रभाव को कम किया जा रहा है, ये तमाम जानकारी लेनी अभी बाकी है। लेकिन ये बड़ा हादसा हुआ है, अमोनिया गैस लीक होने से कई कर्मचारी बेहोश हो गए हैं, जिन्हें वापस ठीक करने की कवायद जारी है, जिनका इलाज चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल में कई कर्मचारी भर्ती हैं। बेहोश कर्मचारियों की संख्या 100 से ज्यादा बताई जा रही है। लगभग 45 मरीज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज चलवा रहे हैं। मीट फैक्ट्री में घटना को प्रशासन से छुपाया गया है। और रोरावर थाना इलाके के अलदुआ मीट फैक्ट्री का यह पूरा मामला है। अलीगढ़ से बड़ी खबर, अलदुआ मीट फैक्ट्री में बड़ा हादसा। तो कर्मचारियों में युवती, महिलाएं और पुरुष भी शामिल हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल में कई कर्मचारी भर्ती हैं। बेहोश कर्मचारियों की संख्या 100 से ज्यादा बताई जा रही है। लगभग 45 मरीज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। मीट फैक्ट्री में हुई घटना को प्रशासन से छुपाया गया। तो अमोनिया गैस लीक होने से कई कर्मचारी बेहोश हो गए हैं। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या मानक यहां पर पूरे नहीं किए गए थे, और फिर अगर ये घटना होती है तो वक्त रहते प्रशासन को क्यों नहीं बताया गया था, और क्या प्रशासन अपने लेवल पर पहले से ही कोई जांच कर रहा था या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है। बेहोश कर्मचारियों की संख्या 100 से ज्यादा बताई जा रही है। अगर अब इन 100 से ज्यादा मरीजों की तबीयत और बिगड़ती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और इसी के साथ साथ मीट फैक्ट्री में इस प्रकार की अगर ये लापरवाही मिलती है तो मीट फैक्ट्री के मालिक को आकर के जवाब देना होगा। जवाबदेही उनकी तय हुई होनी होगी कि आखिरकार वहां पर मानकों को पूरा क्यों नहीं किया गया। अमोनिया गैस वहां पर लीक होती है और वहां पर फिर प्रशासन को इस पूरी घटना से छुपाया जाता है। आखिरकार क्या वजह है कि इस पूरी घटना को प्रशासन के सामने नहीं रखा जाता, और कितने बेकसूर लोग यहाँ पर अमोनिया गैस की जद में आ जाते हैं। अमोनिया गैस एक ऐसी जहरीली गैस जिससे चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, और इसके अलावा लोग बेहोश भी हो जाते हैं। कई बार बीमारी इससे भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। आपको पूरा मामला बता दें, 100 से अधिक मरीज इसमें बेहोश हैं। 45 मरीजों को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी क्योंकि बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब हो गई थी। कई मजदूरों का इलाज अभी चल रहा है। मजदूरों में महिला पुरुषों के अलावा छोटे बच्चे भी शामिल है। बड़ा सवाल यह है कि इस फैक्ट्री में छोटे बच्चे कहाँ से आए, क्या उन छोटे बच्चों से कार्य करवाया जा रहा था? महिला और पुरुष और युवतियां तो फिर भी ठीक, लेकिन छोटे बच्चे अगर वहां पर काम करते हैं तो ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। महिलाएं मुख्य तौर पर यहां पर काम कर रही थी। अमोनिया गैस रिसाव मामले को पहले दबाने की कोशिश की गई, कर्मचारियों से इस मामले में चुप रहने को कहा गया। आखिरकार क्या वजह की सभी कर्मचारियों को चुप करवाया गया? अलीगढ़ के अलदुआ मीट फैक्ट्री में अमोनिया का रिसाव, लेकिन इसमें बड़ी बात ये निकल करके आ रही है कि जो कर्मचारी अमोनिया गैस की जद में आए उनको कहा गया कि इस घटना को किसी को ना बताएं, इस घटना को ज्यादा से ज्यादा दबाया जाए। तो आखिरकार क्यों कहा गया मजदूरों को कि इस घटना को छुपाया जाए? क्या फैक्ट्री के मालिक को डर था कि मानक नहीं पूरे किए गए और फिर अब उस पर कार्रवाई होगी, जवाब देना होगा? लेकिन इसी के साथ साथ अब ये जो परिस्थिति बनी हुई है, जो ज्यादा लोग अपना इलाज करवा रहे हैं अमोनिया गैस की जद में आने की वजह से, अगर उनकी जिंदगी के साथ कुछ खिलवाड़ होता है तो उसकी जिम्मेदारी आखिरकार किसकी होगी?
ये बड़ा सवाल उठता है। कर्मचारियों से इस मामले में चुप रहने को आखिरकार क्यों कहा गया, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। अलीगढ़ के अलधुआ मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। योगेंद्र सिंह ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं फोनलाइन पर। योगेंद्र, बड़ा सवाल यह है कि अमोनिया गैस का रिसाव होता है, यहां पर कई मजदूर इसकी जद में आते हैं, लेकिन मजदूरों पर दबाव बनाया जाता है कि इस घटना को किसी को ना बताया जाए। आखिरकार ऐसा क्या डर था कि मरीजों पर दबाव बनाया गया, मजदूरों पर दबाव बनाया गया कि इस घटना को किसी को ना बताया जाए? देखिए, जिस वक्त ये शुरुआत में, क्योंकि यहाँ पे ये जो फैक्ट्री बताई जा रही है आज ही यही है, जो कि काफी बड़े मीट के कारोबारी है, ये उनकी फैक्ट्री है और इनके साथ पहले भी कई बार इस तरह की लापरवाही के कारण घटनाएं हो चुकी है इनकी फैक्ट्री में। तो इसीलिए जब वो गैस रिसी और कुछ दो चार लोग बेहोश हुए तो उन पर दबाव बना गया कि इस घटना को आप किसी को ना बताएं। लेकिन क्योंकि जो घायल थे और या जो भी पीड़ित थे उनकी संख्या बढ़ती गई, इसकी वजह से बात छुपी नहीं और जब बात नहीं छुपी तो उसके बाद ये बात पुलिस और प्रशासन तक पहुंच गई। पुलिस और प्रशासन ने वहां आकर के बचाव कार्य किया, जिसमें लगभग 100 के करीब लोग वहां हैं जो कि इससे। योगेंद्र, अभी ये बताएं कि जो 45 मरीज अपना इलाज करा रहे हैं अस्पताल में, उनकी हालत कैसी है? उनको कुछ सजेशन दे रखा है और कुछ दवाइयां दे रखी है जिसकी वजह से वो भी सो रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों के हिसाब से अभी कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है और ना होने की संभावना है। योगेंद्र, इसी के साथ साथ क्या फैक्ट्री के मालिक से सवाल पूछा जाएगा, कोई कार्रवाई इसमें होगी? कितनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे आखिरकार? फैक्ट्री के मालिक का नंबर है और वो कभी भी उठता ही नहीं है, ना वो किसी से मिलता। हाँ, उससे जब प्रशासन या पुलिस उनसे बुलाकर पूछेगी तभी वो सवाल का जवाब देगा। नहीं, इस पर योगेंद्र, अगर आप क्योंकि वहां पर मौजूद होंगे, अगर आपने पुलिस प्रशासन से बात करी होगी तो पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं कि इस मामले में जांच होगी, फैक्ट्री के मालिक से बातचीत की जाएगी, पूछा जाएगा कि आखिरकार क्यों दबाव बनाया गया मजदूरों पर? देखिए, मैंने आपको बताया कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है हाजी जहीर की फैक्ट्री में, ठीक है, और वो हर बार आपकी बात तो कैजुअलिटी थी, कई बार कैजुअल मतलब उसमें गिर के आदमी मर गए थे, लेकिन तब भी जो सब आदमी दीपा पोते हो जाते हैं, क्योंकि अलीगढ़ में अगर कुछ भी कारोबार है सबसे बड़ा पहले कारोबार था, लेकिन आज की तारीख में अलीगढ़ सबसे बड़ा कोई कारोबार है तो वो मीट कारोबार है, जो सलाहकार हाउस वाले हैं उनके बहुत बड़े बड़े कारोबार है, बहुत बड़ा पैसा देते हैं और वो जो कहते हैं कार्य काम करते हैं। ये तो दिक्कत ये रही है कि जो ज्यादा लोग मंडी में और ज्यादा लोग घायल हुए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। कलदुआ मीट फैक्ट्री है जिसमें पैकेजिंग का काम होता है, वहाँ पर औरतें स्पेशली पैकेजिंग के काम में लगती थीं, तो अमोनिया गैस के लीकेज की वहाँ से सूचना मिली है, जिसके कारण कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। अभी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की पूरी टीम से हम लोगों ने बात की है, वो बता रहे हैं सभी की हालत स्थिर है और खतरे की कोई बात नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोग थे उनको फैक्ट्री से यहाँ लाया जा चुका है, एम्बुलेंसेज वगैरह वहाँ पहुँच गई।